बिहार पुलिस, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सबको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, 2 + 6/√3 +1/2 + √3 + 1/√3 - 2 किसके बराबर है? यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 2 + 6/√3 + 1/2 + √3 + 1/√3 - 2। तो इसे आगे देखते हैं, 2 + हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और नीचे रूट थ्री होगा प्लस, ये 2 + √3 है, 2 + √3 और 3 - 2, तो इसे एक जैसा लिख लेंगे। तो इसे एक जैसा लिखना, 1 + √3 + 2 कर देंगे, ये प्लस में ये √3 - 2 एक जैसा हो गया दोनों। अब हम इसे आगे 2 + 2 × 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे होगा √3 से √3 कट हो जाएगा, फिर ये प्लस। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर √3 + 2 √3 - 2, अब ये इससे कट हो जाएगा, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 - 2, और इसमें ये इससे कट हो जाएगा, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस करके √3 + 2। अब यहाँ ये -2 और +2 कट हो जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा, यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 + 2√3, और हमें पता है कि यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला लगेगा, तो a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² ये एक फॉर्मूला हो गया। तो 2 + 2√3 और ऊपर में बचा √3 दो बार, तो हम इसे लिखेंगे +2√3 / अब ये फॉर्मूले के हिसाब से √3 का स्क्वायर, a² फिर -b² तो 2 का भी स्क्वायर होगा। हम आगे देखते हैं, 2 + 2√3 + अब ये हो जाएगा 2√3, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर -4। अब ये 2 + 2√3 + 2√3 / 1/1। अब ये माइनस में आया यहाँ पे, तो इससे ये भी माइनस कर देगा इसे, तो 2 + 2√3 - 2√3, तो ये प्लस में ये माइनस में ये कट हो जाएगा, आंसर हमारा सिर्फ 2 बचा। तो हमारे पे यहाँ पर ऑप्शन था 1 a 1 2 3 4, तो यहाँ पर चौथा हमारा ऑप्शन ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिन तक किया तो अंतिम 2 दिन में बी ने उसे नष्ट कर दिया। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, 7 दिन, 7.1/3 दिन, 7.2/3 दिन, 8 दिन, 8 दिन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसे देखेंगे हम, लिखेंगे ए द्वारा 6 दिन में किया गया काम। तो ए द्वारा 6 दिन में किया गया काम कितना होगा? तो काम है 6 दिन, लेकिन काम पूरा होता था 8 दिन में, तो हम इसे अगर 2 3 = 6 और 2 4 = 8, तो ये 3/4 भाग काम हुआ। बी का देखेंगे, बी द्वारा 2 दिन में नष्ट किया गया
तो बी का काम 2 दिन में नष्ट किया था, लेकिन काम पूरा नष्ट होता था 3 दिन में, तो ये 2/3 भाग काम हुआ। शेष काम कितना हुआ? तो शेष काम निकालने के लिए हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो 3/4 भाग काम में से 2/3 भाग काम, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 4 3 12 और ये कटने होगा 3 3 9 माइनस 4 2 8, तो इसका काम बचा 1/12, यानी 12 पूरा काम है और एक ही काम है। तो अब एक शेष काम जो है 11/12 होगा, तो 11/12 भाग करने में ए द्वारा लिया गया समय, तो ये समय कितना होगा उसे निकालने के लिए, तो 11/12 भाग काम है और ए जो है काम को 8 दिन में पूरा करता था, तो इसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 2 8 और 4 3 12, तो 11 2 22/3 जिसे हम डिवाइड देकर लिखेंगे, तो 7 1/3 17 21 और 1 22, तो 22/3 हो गया। कितने दिन में करेगा, कौन सा ऑप्शन था? तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सम बाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः n-1 तथा n+2 है, उनके बाह कोणों का अंतर 6 डिग्री है, तदनुसार n का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है, 14 12 13 11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जो एक डिग्री होता है वो पूरा 360 का होता है, तो 360 डिग्री में से जो पहला एंगल है वो n-1 है, और जो दूसरा एंगल है इसे हम 360 से देखेंगे तो n-2 है ये। अब कह रहा है कि इन दोनों में अंतर यानी माइनस करेंगे कितना है, तो 6 डिग्री का है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 360 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर ये 1 बचा n-1 और यहाँ भी 1 बचा n-2 इक्वल टू 6। 360 आईटी लिख लेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम होगा इसका n-1 और यहाँ ये प्लस है ना, क्वेश्चन में ये प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे n+2। अब ये यहाँ होगा n+2 n-1 इक्वल टू 6। 360, अब ये 6 जब इस तरफ आएगा, 6 को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो ये नीचे यहाँ पे बटा में हो जाएगा और इसे सॉल्व करते हैं, तो ये -2 और प्लस प्लस टू है और -1 है, तो ये आ जाएगा n, यहाँ बीच में माइनस है, तो यहाँ ये -n और +n कट हो जाएगा और इस n का इससे मल्टीप्लाई होती है माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3+1 2+1 3 बाई n-1 और n+2। ये इससे कट हो जाएगा 3 2 6 और ये 2 से हो जाएगा 180 में कट, तब आएगा n-1 और n+2 बराबर 180। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, फार्मूले के बाद ये बन जाएगा n²+2n-n+2। इसे सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 180। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा n-1 इक्वल टू 12, तो n=13 राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन में ये सी नंबर पर 13 है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों का कीमत, चीज़ों का अंतिम मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% छूट भी देता है, तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी है? 3%, 5%, 8%, 10%। तो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, वस्तु पर अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित मूल्य ये 15% अधिक है, यानी 100 रुपये है तो 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य है 20%, विक्रय मूल्य 20% की छूट पर है, 20% की छूट पर विक्रय मूल्य है। तो 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 80, तो 80 बटा में 100 × 115। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट गया, 42 से हम कट करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 टू जा 10 और 5 से इसे कट करेंगे 23 बार में, जैसे 2 से कट करेंगे 8 को 4 बार में, तो 24 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा 92 रुपये। 92 ये 100 रुपये से कम कितना है? तो 8 रुपये कम है, यानी 8% वह हानि प्रतिशत हो गई, ये हो गया हानि प्रतिशत, इसका 8% आंसर होगा, सी ऑप्शन पे है 8%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसकी अंतिम मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? 25%, 30%, 37.5% या 42.5%। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये मान लिया कि 100 रुपये है, ओके, ये मान लिया हमने 100 रुपये है, और अंकित मूल्य उस पर, तो अंकित मूल्य हमें पता करना है, तो हम इसे x मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं अंकित मूल्य, तो ये कितना 12% छूट देने के बाद भी, तो हम 12 घटा देंगे 100 में से, तो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा अंकित मूल्य जो है वो, और इंटू 12% छूट, तो 12 में से 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बटा में 100, और ये 21% लाभ के बराबर होता है, तो हम 100 में 21 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 121। तो इधर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम x को यहाँ लिखेंगे और बराबर हम 88/100 को दूसरे तरफ भेजेंगे, तो ये बन जाएगा 121 इंटू ये 100 उधर चला जाएगा तो 100 और 88 बटा में आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 11 8 88 और 11 से 11 बार में 121 कटेगा, तभी आएगा 11 × 100 1100 बटे में 8, जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 137 बार में जाएगा, 137.5 रुपये, तब इसमें से हम 100 घटा देंगे तो 137.5 माइनस 100 करेंगे तो ये बचेगा 37.5, ये हो गया इसका क्रय।
क्रेमुल से 37.5% अधिक अंकित मूल्य पर यह बिक रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 37.5%। तो हमने यहाँ पे मैथ के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। थैंक यू।